everyone and welcome back to NEET Now. NEET 2020 over हो गया है, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें हमको सिखा गया है, पढ़ाई से ही रिलेटेड नहीं बल्कि नॉर्मल जो न्यू नॉर्मल है उसके बारे में भी. अब बहुत टाइम हो चुका है रादर कि अब हम सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे की तरफ नोटिस करें, यानी कि आगे की तरफ बढ़ें. अब हम बात करेंगे NEET 2021 की. NEET 2021 को बिगिन करने से पहले मैं बता दूं कि काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो शायद हम पहले देख चुके हैं, बट वील सी देम अगेन सो दैट यू स्टार्ट ऑफ एकदम अच्छे तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट चीज़, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी अब से, अगर आप उसकी एक रफ कॉपी या एक कॉपी फॉर बायोलॉजी बना लेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हैंडी फॉर यू, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू जब आप एक्चुअली रिविजन करने जाएंगे. तब लास्ट कुछ डेज में मैंने जिस तरीके के टॉपिक्स कवर किए थे, जिस तरीके से पूरे पूरे चैप्टर्स 10 मिनट्स में किए थे, दे वर वेरी हेल्पफुल. साथ ही उसमें पूरा चैप्टर आपका 10 मिनट में कवर हो जा रहा था, टॉपिक्स आपके जो थे फटाफट हम उन पर बात कर रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी. बट सिंस वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ, लेट अस जस्ट टेक अ लिटिल बेटर अप्रोच. हम एक तरीके से बेहतर करेंगे इस साल. कैसे करेंगे? आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी आपने 1000 बार पढ़ा होगा, ठीक है. अंस मेयर के बारे में बात करेंगे हम, बट उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से याद रखना है, किस तरीके से कौन सी चीज़ कैसे रिलेट करनी है, ये हम सीखेंगे. अगर आप आज से ही अपने शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाएंगे, अपना स्टडी मटेरियल खुद बनाने लग जाएंगे, यू विल बी मोर देन हैप्पी इन अप्रैल कि आपने ये सब किया, ठीक है. तो अप्रैल को सोच के हम अभी से अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट करते हैं. तो आज हम बात करने जा रहे हैं अर्न्स मेयर की. वाई इज ही सो इम्पॉर्टेंट? अर्न्स मेयर की अगर बात करें, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड में पहले ही इनके बारे में बात करने के लिए कहा गया है. क्यों? बिकॉज ही वॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. साथ ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिनकी वजह से ही बिकेम अ वेरी ब्रिलियंट नेम. 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में इनका नाम आता है. तो एक एक करके हम उनकी सारी चीज़ों की बातें करेंगे, ठीक है. अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, जिस तरीके से मैं यहाँ बताऊँगी आपको फैक्ट्स और चीज़ें, आपको वैसे ही उसी तरीके से अपनी कॉपी में उतारनी है, बट कॉपी नहीं करनी है. मैं यहाँ बताऊँगी आपको मेथड्स, तरीके बताऊँगी याद कैसे करने हैं, आपको अपने आप रिकलेक्ट करके कोशिश एटलीस्ट करिएगा की कर सके, ठीक है. तो सबसे पहले बर्थडे 5th जुलाई, जुलाई 7, 1904, कहां पे? कैम्पटन जर्मनी में, ठीक है. मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट यूरोपियंस थे, कुछ एशियंस भी थे. जैसे जैसे टाइम हुआ, जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर्स हुए, मोस्ट ऑफ देम रीलोकेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो आप काफ़ी सारे ऐसे साइंटिस्ट के अक्रॉस आएंगे जिनका जन्म या बर्थ यूरोप में हुआ, यूरोप में किसी कंट्री में हुआ, लंदन में हुआ, जर्मनी के काफ़ी सारे आएंगे, बट लेटर ऑन वो अमेरिका मूव कर गए आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. अब इनका ये पहला पॉइंट हो गया कि बर्थ कब हुआ था, ठीक है. बर्थ होने के बाद इनके अब बात की जाए थोड़ी सी कि इन्होंने जो मेजर करियर ग्राफ था उनका, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ इनका 1953 से 1975 तक, जब ये हार्वर्ड में थे. हार्वर्ड में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन्होंने ज्वाइन किया 1953 में, रिटायर हुए 1975 में, ठीक है. वहां पे भी ही एक्सेल्ड और इनको अलेक्जेंडर अगासीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस कहा गया. ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस एक तरीके से टाइटल है. क्या है ये टाइटल, ठीक है, अवार्ड नहीं है, ये टाइटल है जो उन प्रोफेसर्स को दिया जाता है हु एक्सेल, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही जो ब्रिलियंट होते हैं अपने फील्ड में, ठीक है. अब नेक्स्ट इनकी हम बात करेंगे थोड़ी रिसर्च के बारे में.
कि रिसर्च इन्होंने क्या क्या की, फिर उसके साथ ही साथ जो इनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था जिसके लिए इनको स्पेसिफिकली जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो ये जो है इन्होंने जो बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन जो आज हम जानते हैं, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज, ये इन्हीं के अंदर हम लोग सही तरीके से जान पाए, ठीक है। ये हालांकि आपकी टेक्स्ट बुक में सेकंड सेंटेंस लिखा है, इससे पहले एक सेंटेंस है वो मैं अब बताऊंगी क्योंकि उसमें थोड़ी सी डिटेल की रिक्वायरमेंट है। वो कहता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी कि जो अलग अलग डाइवर्सिटी है, जो स्पीशीज है ओवरऑल, ठीक है, उसकी जो डाइवर्सिटी है उसका ओरिजिन जो है वो इन्होंने हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन बनाया। किसका? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का, यानी कि इनका इवोल्यूशन में भी एक तरीके से बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अब हम इनकी रिसर्च की अगर बात करें तो 80 साल, he died at the age of 100, but 80 years इन्होंने काम किया है, 80 years, ठीक है, और रिसर्च की है बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे। तो ये टॉपिक्स कौन कौन से थे? ये टॉपिक्स है आपके हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, फिर आपके इवोल्यूशन, जू जियोग्राफी, तो ये जो इनकी 80 इयर्स की रिसर्च थी वो इन अलग अलग सब्जेक्ट्स पे चलती रही, मतलब वो पूरे टाइम अपनी लाइफ में बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें करते रहे। सो दिस इज अबाउट हिज रिसर्च। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, विच इज द ट्रिपल क्राउन। अब ट्रिपल क्राउन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका नीट में बहुत बार आता है, वॉट इज ट्रिपल क्राउन। ट्रिपल क्राउन एक तरीके से तीन वो प्राइजेस हैं जो एक बहुत ही ब्रिलियंट बायोलॉजिस्ट को दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला प्राइज है इनका बाल्जन प्राइज, ठीक है, द बाल्जन प्राइज। सेकेंड इज इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और तीसरा है क्रॉफोर्ड प्राइज। तो ये जो ट्रिपल क्राउन है, एक तरीके से क्राउन क्या होता है, मुकुट, तो ये जो तीन प्राइजेस हैं ये फॉर्म करते हैं आपके ट्रिपल क्राउन, और ये तीनों ही अर्नेस्ट मेयर को मिले थे। अगर हम बात करें बाल्जन प्राइज, इट वाज गिवन इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 एंड क्रॉफोर्ड प्राइज 1999, यानी कि ये तीनों ही प्राइजेस इनको दिए गए थे। इसके अलावा बहुत सारे टाइटल्स, बहुत रिवॉर्ड्स, बहुत अवार्ड्स आपके अर्नेस्ट मेयर को एज अ बायोलॉजिस्ट, एज अ साइंटिस्ट दिए गए थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या कहा गया? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, राइट। उसके अलावा वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, यानी कि अभी तक अर्थ पे जितने भी ग्रेट यानी कि महान साइंटिस्ट हुए हैं उन 100 साइंटिस्ट में एक नाम अर्नेस्ट मेयर का भी है। सो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है, दिस इज अबाउट योर अर्नेस्ट मेयर। अब अगर आपका ये टॉपिक, अगर आपका ये छोटा सा एक पैराग्राफ का टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है, कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। बट ठीक है,
कहाँ पे इन्होंने एज अ प्रोफेसर जॉब किया? हार्वर्ड में. कब से? 1953 टू 1975. नेक्स्ट टाइटल क्या मिला था उनको वहां पे? अलेक्जेंडर अगासी इज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस. नेक्स्ट इनका जो मेजर रोल रहा है वो किसमें है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, जिसको इन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मेन या सेंट्रल क्वेश्चन बनाया. सेकेंड, जो हम बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं आज, वो इन्होंने ही पायोनियर की. अब आते हैं इनकी रिसर्च पे. रिसर्च इनकी लगभग 80 ईयर्स तक स्ट्रेच हुई. उसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक, जू जियोग्राफी एंड सो ऑन उन्होंने पढ़े हैं और उन्होंने उन पर रिसर्च की है और फर्दर उनमें जो भी उनकी नॉलेज थी वो शेयर भी की है. सो दिस इज ऑल हिज रिसर्च. देन ही वाज अवार्डेड अ ट्रिपल क्राउन, बाल्डन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में एंड लास्टली द क्रॉफोर्ड प्राइज इन 1999. ठीक है, ट्रिपल क्राउन. साथ ही क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी इन्हीं को कहा जाता है. एंड लास्टली ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 100 साइंटिस्ट टू एवर वॉक ऑन दिस अर्थ. इतने सारे क्वेश्चंस हैं अगर आपने एक छोटा सा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो. अब इसके लिए क्या करना है? एनसीईआरटी से पढ़ना है. फटाफट बैठ के अपनी टेक्स्ट बुक से जो भी आपके दिमाग में पहले चीजें आ रही हैं वो जॉट डाउन कर लीजिए. जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो फिलहाल, बट आप उनको जॉट डाउन कर लीजिए. फिर जो चीजें आपकी मिस हो जाती हैं उनको लिखिए एंड जस्ट मेक इट अ पॉइंट टू रिमेम्बर कि वो आपसे स्किप क्यों हुई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगी आपको या स्ट्राइक नहीं हुई. ठीक है, देखिए कोई भी चीज हमको डिफिकल्ट कब लगती है? जब हम उसको समझ नहीं पाते. अगर समझ जाएंगे तो आप उसको समझ सकेंगे आसानी से, उसको रिप्रेजेंट भी कर सकेंगे राधव. तो चीजों को जब समझना शुरू करेंगे आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी. साथ ही एक चीज मैं आपसे और कहूंगी कि अब जो आपका पास्ट है, ठीक है, जो भी है, नीट आपने दिया नहीं दिया जो भी है, उसको साइडलाइन कर दीजिए. फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, फोकस ऑन व्हाट इज टू कम, फोकस ऑन कि अब इतनी अच्छी तैयारी कैसे करूं कि नेक्स्ट ईयर मैं अपना सिलेक्शन ले ही लूं. ठीक है, सो इस चीज पे फोकस करिए, पॉजिटिविटी पे फोकस करिए. स्टे पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक. ठीक है, अभी से अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए. कोशिश करिए कि आप हमेशा अच्छी चीज़ों के साथ जुड़े, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े, पॉजिटिव लोगों से बात करें. फालतू के ड्रामों में, गॉसिप्स में, रूमर्स में मत पड़िए. ठीक, दिस इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्टूडेंट लाइफ बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज एन अडल्ट. मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि हम फालतू की जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके मन को खराब करती हैं या आपको नेगेटिव थॉट सोचने पर मजबूर करती हैं, इनसे दूर रहिए. लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू गुड म्यूजिक, लिसन टू यू नो अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स वाली काफ़ी सारी आजकल टेक टॉक्स वगैरह होते हैं, लिसन टू देम. थिंक ऑफ द ब्राइटर फ्यूचर यूड हैव. इनफैक्ट अगर आप चाहें तो वी कैन जस्ट शेयर वन और टू आर्टिस्ट दैट वी लाइक. आई पर्सनली राइट नाउ मुझे ऋत्विज का सेज बहुत अच्छा लगता है, लाइक इट. आई ऑल्सो लाइक लिग्गी. तो इस तरीके से अगर आपकी कोई फेवरेट सॉन्ग्स हैं, राइट डाउन, यू नो, लेट्स जस्ट स्टार्ट शेयरिंग. एक तरीके से एक अच्छा माहौल बनाइए, एक अच्छा एक तरीके से रूटीन बनाइए जिसमें आप इन्वॉल्व रहें अच्छी चीज़ों के साथ, पॉजिटिव चीज़ों के साथ. बी गुड, डू गुड, स्टडी वेल, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. ठीक है, मैंने पहले भी कहा है, वी हैव 7.5 मंथ्स. 7.5 मंथ्स में हमें अच्छे से कोशिश करनी है कि हम अपना पोर्शन कंप्लीट करें. पोर्शन कंप्लीट करना इज सेकेंडरी, समझ के चीज़ें करना इज प्राइमरी. ठीक है, सो आज आपको ये टॉपिक खत्म करना है. कैसा लगा आपको, कैसा फील हुआ लिख के when you recited it, when you thought कि आप सब कुछ कर लोगे but एक दो point miss हो गए, write down, let me know so that हम इसमें और improvement करें, किसी तरीके से हम और सारी चीज़ें include कर लें कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो. ठीक है, so फटाफट इसको कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, topic एकदम perfectly कर लीजिए. आने वाले कुछ समय में हम क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे बट उनका भी तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा. आई एम नॉट गोइंग टू यूजुअली टेक कि हाँ क्वेश्चन आगे आंसर करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, सरप्राइज होगा आपके लिए. बट आई एम होपिंग कि वो बहुत एक यूनिक चीज़ होगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. ठीक है, सो स्टार्ट स्टडिंग,
बहुत ज्यादा अभी भी ध्यान रखना है, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड, स्टे हेल्दी, कीप सेफ एंड टेक केयर।